आईपीएल सीजन 12 का 55वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब ने चेन्नई को 6 विकेट से हराकर अपने सीजन का सफर जीत के साथ खत्म किया। वही पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और चेन्नई को बैटिंग के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 170 रनों का लक्ष्य पंजाब के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। वही मैच की शुरुआत में एक जबरदस्त वाक्य देखने को मिला जब मैदान पर मौजूद लोग खिलखिला उठे। दरअसल क्रिस गेल बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर अक्सर हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वह कुछ ऐसा, 5वां ओवर चल रहा था। बॉलिंग करने के लिए दीपक चहर ने ओवर की चौथी गेंद फेंकी और क्रिस गेल ने उनकी इस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर जल्दी से एक रन पूरा कर लिया। में जब एक रन चुरा रहे थे तो केदार जाधव ने थ्रो किया, क्रिस गेल तेजी से भागे और क्रिस में सुरक्षित पहुंच गए। अपने इस रन को पूरा करने के चक्कर में वे अंपायर से जा भिड़े। इसके बाद जो मजेदार चीज सामने आई वो यह थी कि क्रिस गेल अंपायर से टकराने के बाद दोबारा मजाक में अंपायर का रास्ता रोकते हुए नजर आए और उनके सामने उन्हें सीना तान कर घेरने लगे। इसके बाद दोनों हंस पड़े और आगे का खेल शुरू हो गया। इसकी तस्वीरें काफी शेयर की जा रही हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। पंजाब की टीम ने भले ही यह मैच अपने नाम कर लिया हो लेकिन प्लेऑफ के लिए टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। पंजाब की टीम का सफर यही समाप्त हो गया। आपको क्रिस गेल का अंदाज कैसा लगा आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।